Brother Sparks SM322 sneakers key unboxing video key GA please. Three days later. जी हेलो। हाँ सर, फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं। आपका प्रोडक्ट आया हुआ एक डिब्बा है, आके ले लिया आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं। और सर छुट्टा लेके आइएगा प्लीज, यहाँ पे हम चेंज कराने नहीं जा पाएंगे, और जल्दी करिए, हम धूप में खड़े हुए हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर नेक्स्ट स्नीकर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां मैं बात करता हूं ऑल अबाउट स्नीकर्स के बारे में। तो आज का वीडियो हम डेडिकेट करते हैं अपने एक सब्सक्राइबर के नाम, जिनका नाम है मोहन कुमार। तो इन भाई ने मुझे कमेंट किया कि भाई इस वाली स्नीकर को मंगाओ एंड इसकी स्नीकर अनबॉक्सिंग वीडियो मुझे दिखाओ। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने मंगाया है आज ये वाला स्पार्क्स का एक बहुत ही बेहतरीन कैनवस का स्नीकर्स, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अभी करने वाला हूँ एंड इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसी तरह अगर आप भी किसी स्नीकर अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हमारी कोशिश रहेगी कि उसे भी मंगवा कर एंड आप तक उसे अनबॉक्सिंग वीडियो एंड रिव्यू वीडियो पहुँचाया जाए। तो आज का वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग फटाक से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड आप तक दिखाते हैं। तो इसको फटाक से मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फर्स्ट लुक देख सकते हो, देखने में कैसा लग रहा है। मैं सबसे पहले बात ये बोलना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट वाले पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जैसे पेपर लगा के दिया तो आई थिंक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, तो इसके लिए शॉर्ट आउट टू फ्लिपकार्ट। तो इसको फटाक से हम बाहर निकाल लेते हैं, आई थिंक निकल जाए बिना फटे तो बहुत ही अच्छी चीप बात है। या तो यहाँ पर टेप लगा हुआ है जहाँ से मैं कोशिश करता हूँ ये फटे ना, सही सलामत निकल जाए, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रहेगा। सिया निकल गया है, वाह। तो ये बॉक्स करते हैं साइड में एंड इसके अंदर आई थिंक कुछ नहीं है एंड ये प्यारा सा हमें एक बैकपैक भी देखने को मिल जाएगा, तो आई थिंक इसको रख लेते हैं साइड में फटानी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्पार्क्स का अपना खूबसूरत बॉक्स आप देखने को मिल जाता है, जिसका आप लुक देख सकते हो देखने में कैसा लगता है। एंड यहाँ पे आपको कुछ डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, लाइक आपको MRP मिल जाएगी एंड साइज़ मिल जाएगा एंड कुछ QR कोड मिल जाएंगे इस स्नीकर्स के रिलेटेड। तो इसको अब फटाक से हम करते हैं अनबॉक्स। वाओ, सो अपने स्नीकर्स को निकाल लेते हैं बाहर एंड बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, हमें एक पेपर मिलता है एंड गाइस इसके अंदर हमें मिल जाता है एक झोला। बहुत ही अच्छी बात है, इससे पहले मैंने स्पार्क्स का ये वाला स्नीकर्स मंगाया हुआ था जिसमें मुझे देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसमें मिला है तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको इसमें डाल के कहीं भी ले जा सकते हो। अगर कहीं आप जाके बाद में पहनना चाहते हो या कहीं पार्टी वार्टी करने जा रहे हो एंड वहाँ पर पहनना चाहते हो या कहीं पर कैरी करना चाहते हो, तो आई थिंक कैरी बैग मुझे मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक्स टू स्पार्क्स। तो इसको भी करते हैं साइड में एंड बॉक्स में और कुछ नहीं है एंड हमें एक ये देखने को मिल जाता है, तो इसको भी करते हैं साइड में एंड बॉक्स को भी कर देते हैं हम साइड में एंड हम मेन फोकस कर लेते हैं अपने स्नीकर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, स्नीकर्स बहुत ही लाइट वेट है, जैसे आप देखने को पा रहे होंगे, जैसे आप तो देख पा रहे होंगे बहुत ही लाइट वेट है, ज़्यादा तिमझाम नहीं किया गया हुआ। इसके अंदर कुछ पेपर्स हैं, उन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। सो एक एंड टू या एंड इसके कुछ डिटेलिंग की बात करें, उससे पहले गाइज आप इसका फर्स्ट लुक देख सकते हो, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही हल्का है, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा भारी आपको महसूस नहीं होगा, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी होगा, लेकिन बहुत ही हल्का है, लाइट वेट है। एंड इसकी कुछ डिटेलिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको आगे का जो मटेरियल है ये कैनवस से देखने को मिल जाता है एंड ब्लैक कलर का है। एंड इसकी जो अपर बॉडी की बात करें वो हल्का सा डल कलर से देखने को मिल जाता है एंड आगे इसके एक लेदर पैच अटैच कर दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको एक स्पार्क्स का लोगो देखने को मिल जाता है रबड़ पे एंड यहाँ पे सेम पीछे आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके रबड़ सोल की बात करें तो पूरा ब्लैक कर दिया गया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे जिस स्नीकर्स का रबड़ सोल ब्लैक होता है तो वो बेटर माना जाता है कि जब उसको आप पहन के चलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका ब्लैक है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है एंड स्क्वायर में इसके डिज़ाइन बना दिए हुए हैं एंड बीच में आपको स्पार्क्स का लोगो देखने को मिल जाता है 3D। एंड इसकी लेसेस की बात करें तो वो भी प्योर कॉटन का व्हाइट कलर का दे दिया गया हुआ है। एंड इसके इनर सोल की बात गाइस करें तो अंदर आपको देख पा रहे होंगे जैसे रेड कलर का कर दिया गया हुआ है एंड अंदर इनर सोल की कंफर्ट लेवल की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये निकलता है तो मैं इसे निकाल के दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। सो निकल जा, निकल गया गाइस। तो आप देख सकते हो इसका इनर सोल का कंफर्ट लेवल भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको फटाक से अंदर डाल देते हैं, कंफर्ट लेवल इज़ गुड एंड सेम आपको इस स्नीकर्स में देखने को मिल जाएगा। एंड ये रेड कलर की पट्टी लगा दी गई हुई है एंड यहाँ पे जो पीछे का मटेरियल आप देख रहे हैं यहाँ पे गाइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैच अटैच कर दिया गया है जिससे इसे और मजबूती मिल जाती है ताकि जब आप इसको पहने तो आपको अनकम्फर्टेबल महसूस ना हो। एंड गाइज इसको पहनने के बाद आपके पैरों में कैसा लगता है आपको वीडियोज़ में दिख रहा होगा, पहनने में भी गाइज बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड वर्सटाइल लगता है, स्टाइलिश लगता है। अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मस्ट चॉइस होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन चॉइस होने वाला है। तो आप इसे
जाके परचेस कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी माइनर और भी डिटेलिंग है, जैसे आपको यहाँ पे छोटी सी सिलाई देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे एक छोटी सी सिलाई मिल जाती है। ऑल अबाउट गाइज, इस स्नीकर की बात करें तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से जाके आप इसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप किस स्नीकर्स को देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे भी मंगा कर एंड आप तक पहुँचाया जाए। एंड इससे पहले मैंने इस बॉक्स का एक और स्नीकर की अनबॉक्सिंग की हुई, ये वाली, जिसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन दोनों में जो लेना चाहते हैं आपकी ऊपर चॉइस है, आप उसे जाके प्रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप कॉलेज वॉलेज में हैं ज़्यादा, आपको प्रोफेशनल नहीं चाहिए, ऑफिस आप नहीं जाते हो, तो आपके लिए ये कैनवस मटेरियल का बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज इसमें न लेदर का नहीं है कि आप इसको पहनेंगे तो यहाँ पे कोई डंट वंट का इशू रहे, ये एकदम क्लीन रहने वाला है। जैसे आपको पता है कैनवस की यही एक खास बात होती है। तो ये मैंने बता दिया, तो ये रहा हमारा एक हॉनेस्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। एंड आपको पता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द नेक्स्ट स्नीकर। जय हिंद।